वेलकम बैक टू अनदर टॉक शो. तो टॉक शो ही बोलते हैं ऑब्वियसली. सो वेलकम टू सी स्पोर्ट्स गेमिंग चैनल. और आज हमारे साथ है अपने सी स्पोर्ट्स के फाउंडर. सो आपके स्क्रीन पर है ऑब्वियसली. सो इनका माइक ऑन करते हैं और स्पीकर ऑन करते हैं. सो चलो. हाँ हाय सर. कमल जी कैसे हैं? हेलो हेलो. वेलकम टू सी स्पोर्ट्स गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड. हाय गेमर्स. जी कमल जी, मतलब वेलकम, बहुत शुक्रिया आने के लिए. सो आज एक्चुअली मतलब मैंने ये किया है क्योंकि प्लेयर्स के बहुत सारे सवाल है जो मुझे आंसर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो बार बार पूछते रहते हो. सो एक मिनट रुकिए. गास्ली गेमिंग वेलकम. हाय हाय हेलो हेलो हेलो. प्लीज़ देखिए आप अपने साथ कौन है. फाउंडर है भाई, थोड़ा सा बात कर लो ब्रो. ये तो हेलो का इंट्रो. हाय गेमर्स. ओ भाई. तो कमल जी, मैं मतलब प्लेयर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मतलब ये जो सी स्पोर्ट्स है एक्चुअली, तो ये इसका मोटो क्या है, तो आप थोड़ा सा अगर खुल के बताना चाहेंगे तो अच्छा होगा. हाँ एलेक्स, एक्चुअली सी स्पोर्ट्स गेमिंग हमने ये फॉर्म किया. दिस इज द फर्स्ट गेमिंग कंपनी इन नॉर्थ ईस्ट. इसका मोटो यही है कि देखो, हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, असम एंड इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट, इतने बच्चे हैं जो बीजीएमआई खेलते हैं या ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बट दे आर जस्ट वेस्टिंग, क्योंकि मम्मी पापा कभी भी खेलने नहीं देते. एंड सेकेंडली, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ई स्पोर्ट्स में,
गेमिंग में, तो उस वजह से हमने इसको एक्चुअली फॉर्म किया है ताकि हम उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकें। क्यों, हमने काफ़ी, आपको पता होगा, हमने काफ़ी वो स्ट्रीम्स वगैरह की थी, गेमिंग कंपटीशन भी किया था, बट डेट प्राइजेस मुझे लगा कि वो काफ़ी कम होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि प्राइजेस वन टाइम दे सकते हैं बट अपॉर्चुनिटी जो देंगे ना वो लाइफ टाइम रहेगी। ओके ओके ओके, तो मैं ऑब्वियसली मुझे पता ही है क्योंकि मैंने कास्ट तो मैंने किया था। सो मतलब तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपने पास अभी आई थिंक 512 टीम्स है शायद, तो हाँ रजिस्ट्रेशन काफ़ी आया है, रजिस्ट्रेशन तो 700 एंड अबव आए थे, बट हमने 512 टीम से ली है क्योंकि हमने कहा था, जैसे हमारे वो डिम्पू वर्मा ने भी कहा था कि 500 प्लस टीम्स हम लोग ले सकेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने जब किया था, नॉर्मली आपको पता होगा हमने 100 टीम्स के साथ किया था, तो उसमें सिलेक्शन भी काफ़ी किए थे, बट उसके बाद हमने ये सेकेंड राउंड किया है, ये 500 टीम्स के साथ है, तो इसमें देखते हैं कि हमें टैलेंट चाहिए। एक्चुअली वी आर हंटिंग द टैलेंट्स, क्योंकि जो ग्रास रूट प्लेयर है इंटायर नॉर्थ ईस्ट एंड आसाम के, तो उनको भी हमें चाहिए कि एक टैलेंट मिले ताकि वो जाके फॉरवर्ड हम उनको भेज सकें, हम हमारी कंपनी में उनको इनरोल कर सकें, और जो भी ई स्पोर्ट्स गेमिंग टूर्नामेंट है वो हमारी तरफ से वो पार्टिसिपेट कर सके। ओके ओके ओके, तो ये 512 जो टीम्स है ऑब्वियसली ऑलरेडी शेयर कर चुका है कि मतलब कैसा जाना है, पूरे पूरे रोड मैप ऑलरेडी शेयर कर चुका है। सो जो ग्रैंड फिनाले होगा, जो मतलब लैन इवेंट जैसा कि बोलते हैं लोग, तो ये लैन इवेंट में सीन क्या होगा, मतलब इसमें से क्या चुने जाएंगे या क्या ऐसा कुछ? देखिए पहले क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल राउंड वन होगा, फिर हमने उनमें 16 टीम्स हम उनको चूज करेंगे, द बेस्ट 16 टीम्स, क्योंकि देखो आप किसी को भी नहीं भेज सकते, आज कंपटीशन काफ़ी टफ है, आपने देखा होगा अभी पीएम ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अभी काफ़ी गेमर्स के लिए काफ़ी एक माने काफ़ी इंथ्यूजम भरा उन्होंने, काफ़ी अच्छी हुई थी उनकी, तो कंपटीशन इज वेरी मच टफ, हम नहीं सोच सकते, हम इजीली नहीं सोच सकते कि आप कोई भी किसी को भी चुनेंगे और उनको भेज देंगे, क्योंकि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। सो पहले हम इसमें 512 टीम्स से 16 फाइनलिस्ट चूज करेंगे, द प्रोसेस जैसे रहेगा, जैसे कॉम्पिटिटिव जो स्कीम्स है हमारी चलती रहेगी, उसमें हम 16 फाइनलिस्ट चूज करेंगे, उसके बाद हमारी 16 इन्वाइटेड टीम्स रहेगी, जो टॉप टीम्स आप बता रहे हो, तो पता चलेगा ना कि भाई हमारे फाइनलिस्ट एंड द टॉप टीम्स फ्रॉम इंडिया तो वो कैसे खेलती है। उसके बाद हम उसमें दो टीम हम उसमें चूज करेंगे, तो राउंड्स काफ़ी होंगे, अभी काफ़ी दिलचस्पी है, अभी काफ़ी कम्पिटिटिव राउंड्स होंगे, तो आप देखते जाइए, काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स, विश्वास करते हैं कि काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हमारे साथ रहेंगे होंगे। हाँ मैंने नोटिस किया, ऑब्वियसली कास्टिंग किया है, तो प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, टीम्स भी बहुत अच्छी अच्छी है। सो जो एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ या प्लेयर्स जानना चाहते हैं कि जो ये जो 512 टीम्स के जो मैचेस है, सो जो फाइनल इवेंट है, तो उसमें जो दो टीम्स जो बताया गया है मेनली कि ये दो टीम सिलेक्ट होंगी, ये दो टीम सिलेक्ट है, क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है, मैंने बताया भी है खुद से कि जो दो टीम सिलेक्ट करेंगे उनको ऑर्गेनाइजर्स में चांस मिलेगा या ऐसा कुछ, तो वो आप अगर खुल के बोल देंगे तो वो अच्छा होगा प्लेयर्स के लिए। हाँ एलेक्स, एक्चुअली क्या है कि हमने कहा है कि देखिए कंपटीशन काफ़ी टफ है, आप किसी भी टीम को सिलेक्ट ऐसे करके इजीली नहीं भेज पाओगे, क्यों, हमें उस उनको कोचिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको गेम की टेक्निक सीखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आप इजीली जब गेम देखते हो, जो भी न्यू प्लेयर है वो क्या करता है, डायरेक्ट फायरिंग करता है, ओके, तो वो देखता नहीं है, बस फायरिंग करता रहता है, कुछ टेक्निक्स होती है उसमें भी खेलने की, तो हम उनको कोचिंग दिलवाएंगे। तो फर्स्ट हमने 100 टीम से स्टार्ट किया था, उसके बाद हम अब 512 टीम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको जब हम एग्रीगेट करेंगे और फाइनलिस्ट लाएंगे, 16 फाइनलिस्ट, उसमें से दो टीम हम चूज करेंगे और उनको पहले फर्दर कोचिंग की तरफ भेजेंगे कि कोचिंग करके आए, तो कोचिंग करने के बाद हम उनको ज्वाइन करेंगे हमारे सी स्पोर्ट्स में, क्योंकि देखिए राउंड्स काफ़ी होंगे, अभी और एक राउंड्स हो सकते हैं, ये जैसे राउंड वन हुआ, राउंड टू हुआ, राउंड थ्री भी होगा, तो क्योंकि हमारा काम है टैलेंट को खोजना, तो ऐसा ही नहीं है कि हम एक टैलेंट को खोज के हम बंद हो जाएंगे, कंटिन्यूअसली वी आर ट्राइंग, वी विल ट्राई टू जस्ट आई मीन लुक आफ्टर द टैलेंट्स, वी विल डिस्कवर द टैलेंट्स इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट, इन आसाम स्पेशली वी विल डिस्कवर द टैलेंट। ओके, सो मतलब आई मीन टू से, लेकिन जो दो टीम्स होंगी,
मतलब मैं बोलना चाहूँगा मेनली, तो उनको क्या सपोर्ट मिलेगा या ऐसा कुछ है मतलब जो भी है? एलेक्स, एक्चुअली सपोर्ट की बात करें तो देखिए सारा ही सपोर्ट है, क्योंकि देखो आपको मैनेजर एक हमको रखना पड़ता है, कोच रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो टॉप ई स्पोर्ट्स गेमिंग टूर्नामेंट है, जैसे काफ़ी कंपनीज करती है, काफ़ी आई मीन टॉप कंपनीज करती है जिनके हम टच में हैं, जिनसे टच में हैं, तो वहाँ भेजना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद उनके साथ एग्रीमेंट होगा, टॉप फाइनलिस्ट एक्चुअली दो टॉप टू टीम्स सब सारे ऑब्स्टेकल से सब आ जाएगी, तो हम उसको हमारे सी स्पोर्ट्स गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड में हायर्ड कर लेंगे और उसके बाद उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद उनको खिलाएंगे। चलिए, ये यही मुझे अब एक्चुअली सुनना था कि मतलब एग्रीमेंट होगा या जो भी है, वो तो बात की बात है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्वालिफाई स्टार्ट करेंगे जस्ट कल से है, जो कि डेट है 15 अप्रैल। सो क्वालिफाई स्टार्ट होंगे, उसके बाद क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, बहुत बड़ा मैच है ये। सो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली बोला जाए तो। अच्छा यस है एलेक्स, तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और मैं सब गेमर्स को चाहूंगा कि इस पे पार्टिसिपेट करें, एंड दैट एक्चुअली व्हाट वी वांट इज दैट दैट दे हैव टू प्ले सिंसियरली, क्योंकि देखिए सब खेलते हैं, सब वेस्ट कर देते हैं, काफी खेलते हैं, काफी देखिए अंडरडॉग्स है, काफी ग्रास रूट प्लेयर्स है, खेलते खेलते काफी कुछ हद तक T3 T2 तक आते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वो ऐसे ही चला जाता है, उनका जो टैलेंट है वो ऐसे ही जा रहा है। बट हम चाहते हैं कि वो टैलेंट को पहचान दे एंड उनको एक मुकाम दे कि वो जाके उनको जाना जाए कि भाई हाँ ये गेम है, ये गेमर्स है, ये आए हैं सी स्पोर्ट्स गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड से, आसाम से, नॉर्थ ईस्ट है या इंटायर नॉर्थ ईस्ट से, और एक्चुअली वो हॉनर्ड होगा। ये हॉनर वाली बात होगी कि ऐसे प्लेयर्स अगर हम दे सकें इस आई मीन दैट ई स्पोर्ट्स कंपनी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को, तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो सर बहुत बहुत बंदे का भी और एक सवाल है कि फ्री फायर बोला जाए तो, कि अभी तो BGMI हम लोग कर रहे हैं, तो गेमिंग में तो ऑब्वियसली ई स्पोर्ट्स में तो फ्री फायर भी आती है। सो फ्री फायर के लिए कुछ नहीं एक्चुअली मैसेजेस हो? या एलेक्स, एक्चुअली वी आर आल्सो प्लानिंग फॉर डिफरेंट ई स्पोर्ट्स, सिर्फ BGMI नहीं है हमारे पास, देखिए ई स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी गेम्स हैं, फ्री फायर भी ऑब्वियसली इट्स कमिंग, अगर वो इजीली मतलब सुना है महीने दो महीने में इंडिया में लॉन्च कर रहा है, तो एक्चुअली उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर्ड है, तो थोड़ा सा अभी BGMI जैसे इंडिया में लॉन्च है तो उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, बट फ्री फायर भी हमारा आगे का एक्सपेक्टेशन है कि हम उसको कर लेंगे, उसके लिए इनरोलमेंट भी काफ़ी आ रही है, और फ्री फायर नहीं एक्चुअली हम लोग गेम डेवलपमेंट में भी आ रहे हैं कि हमारे गेम्स डेवलप भी होगी, तो उस सिलसिले में भी हम बात करेंगे कभी फिर कोई लाइव शो में, बट हम आगे बढ़ेंगे। सारे ई स्पोर्ट्स गेमिंग मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक बाइंडेशन है, हमारे पास सारे ई स्पोर्ट्स गेम्स खुले पड़े हैं, हम किसी में भी आगे बढ़ सकते हैं। सर थोड़ा सा एक बार सिर्फ थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक्चुअली बहुत सारे चैट्स आ रहे हैं। सो 1 मिनट रुके ओके श्योर भाई। श्योर ओके भाई, रजिस्टर करना है अभी, होगा भाई? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया भाई, ब्रो सॉरी, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सो या ऑलरेडी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट, कंप्लीट है एक्चुअली, 750 टीम्स एलेक्स हमारे पास आ चुकी थी, लेकिन जी हमने 512 पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया था, क्योंकि इजीली इतना इजी नहीं है सबको टैकल करना, तो 512 टीम्स जब हमने कहा है तो 512 टीम्स हमारी खेलेगी, उसके बाद सेकेंड राउंड फिर स्टार्ट होगा, नो डाउट फिर स्टार्ट होगा जुलाई और अगस्त के महीने में, फिर हमें स्क्रीमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हम वी आर इन द हार्ट ऑफ टैलेंट्स, ऐसा नहीं है कि टैलेंट एक जगह रुका हुआ है, टैलेंट कभी रुकता नहीं है, टैलेंट नया नया टैलेंट मिलता रहता है। फ्री फायर मैंने पूछ लिया। ओके फिर के चलिए, मैक्सिमम तो यही है। लिस्ट ग्रुप का गेम ऑलरेडी ग्रुप में आ गया ब्रो। मेरा टीम पूरा रेडी सर। ओ भाई गासली, वेरी मच, थैंक यू। तो सर बस मेरा मेन मोटिव था कि मतलब वही सुनना कि लैन इवेंट के बाद क्या होगा, जो आपने आंसर ऑब्वियसली कर दिया है। सो अभी आपको शायद जाने देना पड़ेगा, आप ऑलरेडी बिजी होंगे। सो थैंक यू नहीं ऐसी कोई बात थोड़ा। नहीं एलेक्स, हाँ बट हम लोग और एक बात बता दें, सी स्पोर्ट्स गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड तो ये एक फर्स्ट गेमिंग कंपनी है, नो डाउट हम लोग स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी स्कोप है और काफ़ी गेमिंग में काफ़ी स्कोप है, जैसे अभी हम कमिंग डेज में देख रहे हैं न्यूज़ेस में काफ़ी स्कोप दिख रहा है, तो मैं यही कहूँगा गेमर्स के साथ, सारे गेमर्स को, कि गेमर्स प्लीज़ सिंसियरली प्ले दिस टूर्नामेंट एंड ज्वाइन अस
वी वांट टू फॉर्म ए गेमिंग कम्युनिटी एंड फ्यूचर्स में काफ़ी कुछ करना है इंक्लूडिंग एवरीथिंग. अभी मैं उसको डिक्लेयर नहीं करूँगा बट वी हैव लॉट ऑफ प्लान्स एंड विल डू दैट डेफिनेटली. चलिए सर, थैंक यू आज आने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए. थैंक ओके. थैंक यू एलेक्स. हाँ जी 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 थैंक यू ऑल. थैंक्स ऑल द गेमर्स. ओके, होप टू सी यू इन द कॉम्पिटिटिव स्क्रीम्स. थैंक यू. चलिए भाई, ये अपना ऑर्गेनाइजर था एक्चुअली, बोला जाए तो फाउंडर फॉर सी स्पोर्ट्स गेमिंग. सो अभी मैं अच्छे करके मैं सारा सारा का चैट्स पढ़ता हूँ. ऑल राइट, बहुत सारे चैट्स आए एक्चुअली. सो हेलो 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 डॉपी वालकुद्र स्ट्रीम भाई. नुटखुट शुभो भाई, रजिस्ट्रेशन कर. भाई रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ख़त्म हो गया भाई. क्यों इतना लेट? क्यों ब्रो इतना लेट? क्यों प्लीज टेल मी इतना लेट क्यों ब्रो? मिनी हेलो, हाय हेलो हेलो वेलकम टू स्ट्रीम. लूसीफर वाइटी हेलो. हाँ भाई कैसा हाल? भाई हम लोग का टीम रजिस्टर कर दो टीम खुरी. ओ भाई पर मैच टाइमिंग बहुत लेट है. लेट है अच्छा, क्योंकि मैंने 9 बजे से दिया एक्चुअली, तो शायद आई थिंक लेट नहीं होना चाहिए. 12 बजे के पहले तीनों मैच खत्म हो जाने चाहिए. रजिस्ट्रेशन ख़त्म है. ऑल राइट इन्वाइटेड. फ्री फायर के लिए ऑलरेडी बोल चुके हैं हमारे फाउंडर सर. और नमस्कार को कह दियो हैप्पी बिहू धोनी कालेन. हैप्पी बिहू ब्रो वेलकम टू स्ट्रीम. भाई लाइफ लव फ्रॉम इंडिया आसाम गुवाहाटी दखवा ओपी वेलकम टू स्ट्रीम. थैंक यू ब्रो ओपी कमल एल घासली गेमिंग. चलिए तो एक काम करते हैं ना, इसी खुशी में एक कस्टम बनाते हैं. ठीक है, वेट ए मिनट, जस्ट मेरा मोबाइल लाने दो. ओह माय स्क्वाड इज रेडी. ओके टॉन्स गेमिंग, बहुत भाई चंद्र छेत्री एलेक्स भाई की जय. ओ भाई वेलकम टू द स्ट्रीम चंद्र. चंद्र लैंड कोत होबो बा बंगाईगांव होबो बा गुवाहाटी एटू इयात श्योर नाई. ऑल राइट सो प्लीज गाइज देयर स्कोप इज बिग. दे आर हियर टू क्रिएट एन ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन. गेम डिफरेंशिएशन मत करो यहाँ पे. ओ विनीत बहुत क्रेजी वर्ड्स है तुम्हारा ब्रो. विच ग्रुप लिस्ट दिया भाई? ऑलरेडी लिस्ट दिया हुआ है ब्रो, ऑलरेडी लिस्ट दिया. सॉरी लिस्ट दिया हुआ है. जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार फटाफट ये कर लेता हूँ. ठीक है, वेट अ मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके कल तबाही होने वाली है. सिर्फ सिर्फ एक मिनट दो मुझे, मैं एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ. ठीक है, वेट जस्ट वेट 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 वेट. Just give me a minute. Just wait a minute. मैं एक बार ये कर देता हूँ ना तो दिक्कत नहीं होगी. Just wait a minute. Wait a minute. मैं एक बार दिखा देने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ऑल राइट तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. ऑल राइट बस मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद एक बार देख लो. ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, मेरे को एक छोटा सा ओवरले मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा. ऑल राइट वेट 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 वेट. इसमें क्या होगा ना, तुमको दिक्कत नहीं होगी. ऑल राइट तो मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा. ऑल राइट ठीक है, चलो रुको 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 रुको. वेट जैसे देखो, जहाँ तक पॉइंट्स की बात है दिख रहा होगा शायद. आई थिंक हाँ चलो 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 दिख रहा है. चलो ये क्वालिफायर राउंड का, अभी मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ. ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ. तो ये क्वालिफायर राउंड का पॉइंट सिस्टम है, हैशटैग 1 से लेके 16 तक, और किल पॉइंट भी है. सो ये एक बार देख लो, ऑलरेडी शेयर्ड है सारे ग्रुप्स में. सो एक बार ये देख लो. ऑल राइट,
तो इसी के साथ एक बार मैं चलता हूँ दूसरे पे, ठीक है? तो हमने शुरू किया है ग्रुप ए से, ऑलराइट, अप्रैल। तो 15 तारीख से मैच है, तो 15 को ए है, 16 को बी है, 17 को सी है, 18 को डी है, तो ऐसा 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 करके हम लोगों ने किया है, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने मई में कंटिन्यू किया है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है? ऑलराइट, तो तुमने देख लिया होगा। तो अब चीज़ एक चीज़ सोच लो, 15 तारीख को ए का मैच है, तीन, ओके, हर ग्रुप्स को 3 मैचेस मिल रहा है, और सॉरी, हर ग्रुप्स में छः छः मैचेस मिल रहे हैं, ऑलराइट। सो 15 तारीख को 3 मैच है, और यहाँ पे देखो 19 को ग्रुप ए का फिर से है, इसके मतलब यहाँ पे भी 3 मैचेस और हैं। सो ऐसे ही करके फिर से उसके बाद जून तक हम लोगों ने दिया है, जून 15 तक क्वालिफायर ख़त्म, ऑलराइट। तो इसी के साथ मैप का लिस्ट भी दिया हुआ है, ये मई का है, उसके बाद ये जून का है, उसके बाद ये अप्रैल का है, ठीक है? तो इसमें कोई झंझट वाली कोई बात ही नहीं है ब्रो, ठीक है? तो इसी के साथ अगर हम, एक मिनट मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ, ओके। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि, एक मिनट, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सारे ग्रुप्स पे शेड्यूल, स्लॉट लिस्ट, पॉइंट सिस्टम, उसके बाद मैप्स का शेड्यूल, मैथ्स का शेड्यूल, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड कर दिए हैं, ठीक है? और उसके बाद मैं आज रात को ग्रुप ए से लेके ग्रुप ए बी तक, लास्ट जो ग्रुप तक है, मैं उन लोगों को फिर से मैसेज करूंगा एक कि इतने इतने तारीख को तुम्हारा मैच है। टाइमिंग्स और ऑब्वियसली एक ही है, 9 बजे से आईडी पासवर्ड होंगे, ठीक है? 9 बजे से आईडी पासवर्ड और ख़त्म 12 बजे, 3 मैचेस डेली 9 बजे से 12 बजे तक, ये फाइनल टाइमिंग है, ये चेंज नहीं हो सकता, इट इज़ इंटरचेंजेबल, अनचेंजेबल, हाँ, जो भी है, तो चेंजेबल नहीं है। 9 बजे से 12 बजे तक 3 मैचेस क्लियर, जितना ज़्यादा जल्दी तुम लोग ख़त्म करोगे उतने जल्दी मैं दूसरे मैचेस स्टार्ट करूँगा, तो वो तुम लोगों के ऊपर है, ओके? तो ये मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और वापस मैं शेयर करूंगा, ऑलराइट। तो इसी के साथ एक बार मैं एक कस्टम बना देता हूँ, ठीक है? तो चलो, मेरा कैमरा ऑब्वियसली स्लो चल रहा होगा ना, हाँ, क्योंकि सॉरी, ऑब्वियसली छोटा होगा क्योंकि मैंने अभी तक एडिट नहीं किया है। सो चलो रुको, वेट ए मिनट, जस्ट वेट ए मिनट, ऑलराइट। ओह, कैमरा यहाँ पे बैठा देता हूँ, चलो। क्या क्या होगा टूर्नामेंट में, ये तो मिथ है, हाँ ये तो मिथ है ब्रो, गासली, ये मिथ है। क्या होगा, कैसे मारेगा भाई, गजब। आइनोस गेमिंग YTD, हैप्पी रोंगाली बिहू गाइस, ओ आइनोस, वेलकम टू द स्ट्रीम, हैप्पी रोंगाली बिहू टू यू टू, ऑलराइट। मैच दिन या रात को होगा, ऑब्वियसली रात को होगा, अभी तो मैंने बोला कि 9 से 12 बजे तक मैच खत्म, ठीक है? तो एक मिनट रुक जाओ ब्रो, ठीक है? मिनट, चलो, और हम एक तो रूम बनाते हैं फटाफट से, ठीक है? ओए, मेरे रूम आईडी खत्म हो गया, एक ही रूम बनाऊंगा लेकिन आज, क्योंकि ऑलरेडी थक गया हूँ यार, संडे को है और तुम जानते हो क्या क्या होता है संडे को। तो इरांगल का मैच, ठीक है? तो ये है आईडी पासवर्ड, ऑलराइट। तो फटाफट ज्वाइन कर लो, के इनवाइटेड टीम्स होगा क्या ब्रो? हाँ ऑब्वियसली, मोर्स गेमिंग वेलकम टू द स्ट्रीम, इनवाइटेड टीम्स होगा, और बाहर से नहीं होगा, ये सोच लो कि बाहर से नहीं होगा, जो भी इनवाइटेड टीम्स होगी वो नॉर्थ ईस्ट का ही होगा फिलहाल के लिए, ओके? आईडी पासवर्ड ग्रुप में आएगा, हाँ, ग्रुप में, पर्सनल पर्सनल ग्रुप में ब्रो, सारे के सारे पर्सनल ग्रुप में ही आएगा। टाइमिंग क्या है, 9 से 12, पहला मैच स्टार्ट होगा आईडी पासवर्ड 9 को,
गेम स्टार्ट होगा 9:10 को, प्लेयर्स को मिलेंगे 10 मिनट रूम में घुसने के लिए, ठीक है, और उसके बाद मैच स्टार्ट, डायरेक्ट मैच स्टार्ट। ऑलराइट, फटाफट आओ गाइस, फटाफट आओ। सी स्पोर्ट डिवाइस प्रोवाइड करेगा क्या ब्रो टॉप 2 टीम्स को? बहुत काई पास, बहुत के पास एंड्रॉयड होगा बेस भी। डिवाइस का तो अभी एग्रीमेंट, जो फाउंडर आए थे अभी वो एग्रीमेंट का बोले, और अब सैलरी होगा या डिवाइस होगा वो तो अगर जब तुम लैन इवेंट में आओगे तब उसी टाइम में पता चल जाएगा, या तो गेम के बीच में पता चल जाएगा। ऑलराइट, ये जितना भी जो बातें हैं, एक बार क्वालिफायर पास करो सारे के सारे बंदे, क्वार्टर फाइनल जब स्टार्ट होगा तब उसी में पता चल जाएगा ब्रो। ऑलराइट, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जोनाथन आएगा। ओ भाई इनवाइट दिया। ऑलराइट, इनवाइट इनवाइट इनवाइट, कितने जन इनवाइट है भाई? ओ भाई इतने जन, बैटमैन निकोपी चार्बी जोन। जोन एफ सी जी 2G इज लाइव, सिटी डिपो लाइव स्ट्रीम में बैन हुआ है वो लोग। कौन भाई? बोर एफ 4FS टीम हैकिंग करता है? रियली भाई, आजकल का तो भाई क्या ही बताओ बोलो। चलो गाइस फटाफट आओ, फटाफट आओ, फटाफट आओ भाई, कितने फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं यार। वही, ये कौन है? सुलो पशर। ओके ओके, 20 बंदे, कमान। डिवाइस तो देगा ही, उसके ही लाइनअप को देना ही पड़ेगा। हाँ तो लाइनअप भाई अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैंडेटरी होता है, टूर्नामेंट जीतने के लिए मैंडेटरी होता है, मेनली स्किल्स मैंडेटरी करता है। मैं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब डिवाइस अच्छा होने से स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं ऑब्वियसली। मिस्टर मेंढक, ओ भाई मिस्टर मेंढक सॉरी, हाँ जो भी है मिस्टर मेंढक, सो ऑब्वियसली डिवाइस मैटर करता है। सो जितने भी बात है बाकी, एक बार क्वालिफायर पास कर लो। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर से और एक टॉक शो लाएंगे। ऑलराइट, तो उसके बाद फिर से जो, इसलिए मैं बोलता हूँ ना भाई एक बार फटाफट आ जाओ, ठीक है, जैसे मैं टाइम बोलता हूँ 8 बजे, बस 8 बजे आ जाओ, जो पूछना है बस यहाँ से पूछ लूँगा, बस बात खत्म, ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी जो फाउंडर आए थे भाई, तो उन्हें उन्होंने ही स्टार्ट किया है सी स्पोर्ट्स गेमिंग। सो तो वो लोग जो उसने जो बताया ऑब्वियसली सुना होगा, थोड़ा सा प्रीवियस करके एक बार सुन लो तो क्लियर हो जाओगे। ठीक है, डब्ल्यू ग्रुप में आईडी पासवर्ड कब दोगे आप? डब्ल्यू ग्रुप भाई अब तो मैच मैच में ही होगा, ठीक है, वो मैच में ही होगा। ऑलराइट, हाँ हम लोग लैन इवेंट के लिए खेल रहे थे तो टीम 4FS भी था और गेम में ही बैन हुआ है एंड डिसक्वालिफाइड हो गया। अच्छा, ऐसा क्या? राहुल को इनवाइट कर दीजिए, राहुल को इनवाइट। अच्छा राहुल तो है नहीं फिलहाल मेरे में, नहीं है ब्रो। राहुल आया नहीं ब्रो, कहाँ पे? अच्छा तो गॉडल जोनाथन, सुनील वाइटी। अच्छा बाकी सब तो रूम में है। 27 बंदे हो गए, इरांगेल का मैच है ब्रो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, फटाफट आओ। आज मैं भी खेलूँगा, आज मैं भी खेलूँगा। ऑब्वियसली मैं मर जाऊँगा, पहले पहले मैं मर जाऊँगा वो अलग बात है, लेकिन बहुत लंबा मतलब बचने की ट्राई करूंगा।
ठीक है। वेट ए मिनट, ओके साउंड आ रहा है। नहीं होगा, समझ गया मैं। चलो चलो चलो, 34 बंदे आ गए ना, और कोई है? ओ भाई, ओ अच्छा राहुल आया। अच्छा, चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। लगता है आज सब पापोन को देखने गए हैं। अच्छा पापोन को देखने गए, आया है क्या? कहाँ पे? भाई आ जाओ, नहीं तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 39 40 हो जा भाई, स्टार्ट कर देता हूँ। अबे A7 आ जा, तो स्टार्ट करते हैं। चल गांधी मैदान में। अच्छा गांधी मैदान में आया क्या? मतलब मैं क्या होता है ना, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ ना, सो बोल नहीं सकता हूँ मैं। बस काम से घर, घर से काम, ऐसा होता है। This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. तुम लोग का दिन चल रहा है, ये अमीरी है भाई, ये अमीरी है। आप क्या काम करते हो? मोल्स गेमिंग। ओ भाई मैं आईटी, आईटी में मैनेजर हूँ ब्रो। अभी ये रोड पे है बोलो। ना तो क्या लोकेशन चेंज करो, मेरे को बोलो मत। लोकेशन चेंज करो, मेरे को बोलो मत। ठीक है ठीक है।
वन डे हाउ मेनी मैचेस, वन ग्रुप थ्री मैचेस, जैसे कल का डेट है, कल ग्रुप ए का है और तीन मैच, उसके बाद ग्रुप बी का है तीन मैच, क्योंकि BGIS का कल से क्वालिफाई राउंड स्टार्ट है। एलिमिनेशन हम लोग करने गए, अभी अभी भी 23 है फेस में, तो कहां जा रहा है, थ्री मैचेस हो गए, थ्री मैचेस यार गाइस, आ चलो गाइस, मत करो गाइस, मत कर ले, ये कहां जा रहा है, ये 23 बंदे कहां जा रहे हैं, अच्छा चलो चलो कैप्टन भाई, ये कहां है, टेस्ट स्क्वाड, टेस्ट स्क्वाड मैं मर जाऊंगा वो अलग बात है, गाली मत देना, दो बंदे उतरे हैं मेरे पीछे मत आ रे भाई, हम निहत्ता आदमी यार, ये कौन है भाई, इधर क्यों दौड़ रहा है, ये खुले में दौड़ रहा है, वॉच आउट, वो बंदे अभी उतर रहा है कहाँ पे, खुश गया, हम तो खुश गया है, दो बंदे हैं पर तीन बंदे हैं, आगे भी है, मार देगा मेरे को यार, एक पिस्तौल से ज्यादा कुछ नहीं मिला मेरे को, स्मोक डाल रहा ऊपर, अरे कोई गाड़ी लेके आया भाई, अच्छा तीन बंदे हैं, वे मूली मारा रे, ए गया 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 गया, ए मेरे को मारा, ए मेरे को मार दिया, फेस, अच्छा अच्छा तू लोग, ए तू लोग जिंदा रहना रे, लास्ट टाइम तक जिंदा रहना, तो ट्राई करते हैं भाई, इधर तक कैंप करके बचा हुआ है, पिस्तौल ऐसा तेरे सामान करना पड़ेगा, अच्छा 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 मैंने बोला था ना मैं मर जाऊंगा, मैं खेलने आता ही नहीं यार भाई, दुकान दे दो, मैं नूब हूं, मत कर, कैसे तो फोन आ गया तेरे भाई, एक ऑटो मिलेगा क्या, वॉच आउट, चलो चलो एक किल तो मिल गया यहां पे, एमो नहीं है भाई, तो गाइस कल से बराबर मैचेस होंगे ए बी सी डी करके ना, राइट, तो अच्छे से खेलना ब्रो, ठीक है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, सबके सब बंदे अच्छे से खेलना, मेरे तरह मर मत जाना, पिस्तौल ही मार दो, पिस्तौल कर लेंगे, वॉच आउट, कैम को दिया, कौन है, कोड प्रो, वॉच आउट, चलिए करो चलिए करो, कैम दिया से, ओ हाय हाय, चलिए कैम दिया से, चलो चलो,
चलो ब्रो गाइस वेरी गुड नाइस 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 ए तू लेंचो को मार दिया यार बैटमैन खत्म ग्रुप डब्ल्यू का कब होगा ग्रुप डब्ल्यू का रुको मुझे को एक बार चेक करना है ठीक है ग्रुप डब्ल्यू का भाई ये महीना छोड़ दो ठीक है तुम्हारा पहला मैच मई को मार्क द लोकेशन ठीक है 13 तारीख डब्ल्यू और उसके बाद मार्क द लोकेशन दक्ष जी मरना है मेरे को मेरे को फॉल बैक कर ले फिर नहीं मैं खेल रहा था ब्रो मैं खेल रहा था चलो 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 इसका भी सही है अच्छा ऐसा रूम से जब निकलते तब ऐसा लगता है क्या मतलब दूसरा का गेम प्ले नहीं देख सकते ऐसा अच्छा चलो नहीं 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 मतलब तुम लोग को बोला नहीं मरने के लिए तुम लोग मर गया है ये करो नॉर्मल क्लासिक लगाओ तो ओवरड्राइव गेमिंग टॉप में होगा देख लेना ब्रो अच्छा नॉर्मल नॉर्मल ठीक है नहीं नॉर्मल नहीं नॉर्मल नहीं नॉर्मल नहीं नॉर्मल नहीं नॉर्मल नहीं नॉर्मल नहीं वो वाला हाँ ये जीनी वाला चलो देख लेंगे ब्रो ओवरड्राइव ना मेरा निशाना तुझ पे होगा देख लेना This Let's is a fight simulation together. Game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. नहीं चलता आप बोलते मोर्स गेमिंग समझ रहे हो ना मेरा भी यूट्यूब चैनल है अच्छा मोर्स गेमिंग बन गया है क्या भाई Awesome. क्या हुआ है मेरे
थैंक यू का हो भैया फॉलो ना करवाना कि अरे मार दे उसका साला मार दे गोली केहू ना बोले अरे कोई हीलिंग दे दो मेरे को ये पर है पर आगे आ जाओ मेरे साथ पार नहीं जा सकता यो एनॉक्स ये सब लोग अलग अलग टाइप के प्लेयर है होल करके कर दिया अरे कोई इधर इधर है ओ मेरे को सामने मेरा ये मुली मारा है लो नहीं यार ए सामने रुक जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ माल को पिया गया एक आदमी वॉच आउट नीचे नीचे सामने यहाँ पे यहाँ पे ये यहाँ पे था वॉच आउट यहाँ पे ए रुको रुको हम तू गया था मरने के लिए मेरे को एक बार अरे अरे भाई आ रहा है लौंडा वॉच आउट पर अपग्रेड क्यों नहीं करते नहीं नहीं भाई मैं कर रहा हूँ ये मेरा सेकंड मतलब बोला जाए तो बैठ जा निकल रहा है क्यों अब तो जब तू रहेगा Help! भाई 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 मैं मेरे को मार ही दिया Watch out! किधर है बंदा वॉच आउट मेरे नीचे मेरे नीचे बहुत दूर है नाइस डैमेज है Watch out! अबे मेरा ping high है। अबे बाप रे बाप। यार अपने बंदे मर गए यार कोई नहीं रुको रुको तो फक गया वो कर रखे हेल्प कर रहा इधर एक बंदा है वो कर में गेसी गेसी कर लो गेसी मेरे कॉल नहीं आया टाइम बस वही करने तो जाता है तू भी निकल फॉलो ऑन मी हां हां रिकॉल करने चलते हैं इनको चल 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 चलो हम रैप मार रहे हैं वाह अच्छा तू खेलने नहीं आएगा ठीक है हाँ अरे बंदे नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, ब्रो, नीचे कर। हो गया टाइम पे। अबे, अबे नहीं, नीचे कर।
की लेन नहीं होती फिनिश मार के नेट के नेट ब्रेक कर रहा है पिंक का जो इशू था ना हम ही समझ रहा है। चलो चलो बाद में खेलता हाँ एचएक्स। चलो गाइस कल मिलते हैं एक ही बार में टीम ए के सॉरी ग्रुप ए के साथ। चलो ठीक है चलो बाय।